चलो मैं गाना सुना देती हूँ आपको। एक रोटी बनाते बनाते काफी दिन हो जाते हैं, गाने की बहुत डिमांड आती है कि गाना नहीं सुनाते आप, गाना नहीं सुनाया आपने। चलो मैं आपको गाना भी सुना देती हूँ। ना ता आपू आई तू, ना चिट्ठी कोई पाई ते, ना ता आपू आई तू, ना चिट्ठी कोई पाई ते, कदी नहीं बुझनी है आग येड़ी लाई ते, ना ता आपू आई तू, ना चिट्ठी कोई पाई ते, कदी नहीं बुझनी है आग येड़ी लाई ते, ना ता आपू आई तू, जे ते भूली जाना था ता दिल का जुलाया था, दस सच दस्या गोरी खजो दिला च बसाया था, जे ते भूली जाना था ता दिल का जुलाया था, सच दस्या गोरी खजो दिला च बसाया था, मिंजो छड़ी कन्ने नवी दुनिया बसाई ते, मिंजो छड़ी कन्ने नवी दुनिया बसाई ते, कदी नहीं बुझनी है आग येड़ी लाई ते, ना ता आपू आई तू, ना चिट्ठी कोई पाई ते, कदी नहीं बुझनी है आग येड़ी लाई ते, रोई रोई अखी रहे पड़ी मेरा सुखी गया, ओ रोई रोई अखी रहे पड़ी मेरा सुखी गया, तेरे कन्ने मिलने रा चाओ मेरा मुकी गया, हुआ क्या कसूर कदी गल पनी लाई ते, हुआ क्या कसूर मेरा गल पनी लाई ते, कदी नहीं बुझनी है आग येड़ी लाई ते, ना ता आपू आई तू, ना चिट्ठी कोई पाई ते। तीजो सो मेरी गोरी एक बार आई जाया, तीजो सो गोरी मेरी एक बार आई जाया, तेरे बाजी किया रेंदा पता मेरा पाई जाया, ओ तेरे बाजी किया रेंदा पता मेरा पाई जाया, तेरी आ तू जाने केड़ी ममता लगाई ते, तेरी आ तू जाने केड़ी ममता लगाई ते, कदी नहीं बुझनी है आग येड़ी लाई ते, ना ता आपू आई तू, ना चिट्ठी कोई पाई ते। जय माता दी। तो हाँ जी, जय माता दी। सुबह की सभी को राम राम। तो वो क्लिप जो आपने देखी वो शाम की थी, रोटी बनाई थी मैंने और उसके बाद फिर थक भी गई थी, क्योंकि कहीं जाके आते हैं ना तो फिर बहुत थक जाते हैं। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है, आलू मैंने रात को ही उबाल दिए थे, फिर भी पता है कितना टाइम, 9 बजे को ही फ्री हुई मैं। हर रोज़ सोचती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना के फ्री हो जाऊँ, मैं जल्दी घास को निकलूँ, क्योंकि पता है क्या है, शानवाई की बस पता क्या है, फिर धूप पड़ती है ना, फिर नहीं मन करता बिल्कुल भी
काम करने घास काटने का, फिर भी आज मैं लेट हो गई थी। आज पता क्या हुआ, आज एक ना बड़ी हैरानी की बात हुई, और बहुत सालों में पहली बार ये हुआ कि मैं ना यहाँ पे आलू भी कट कर रही हूँ, एक तो टक 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 लग, देखो नीचे, मैं अंदर ही चले जाती हूँ एडिटिंग करने, रुको। तो यहाँ पे मैंने आलू वगैरह सब कुछ कर दिए थे कट, और परे मैं मसाला भी डाल रही हूँ, तो मैंने परांठे भी बना दिए थे। मैं बात बाद में सुनाती हूँ भी हुआ क्या आज। तो मैंने फटाफट से ना ये देखो यहाँ पे मेथी डाली, धनिया, जीरा, सब कुछ मसाले डाल के आलू बना दिए थे। आलू देखना आप इतने टेस्टी बने थे बाद में ना, और कड़के ना हर चीज़ बनती है। मैंने काफ़ी देर इनको चूल्हे के ऊपर रखा था, चूल्हे का खाना बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बस अब हम तैयारी कर रहे हैं बाहर चूल्हा बनाने की, बस मेरे निकलने की देरी है। कहीं मिट्टी का सोचा था मैंने, फिर सोच रही हूँ कि हाँ आज मिट्टी के ऊपर करूँ क्या क्या काम, बहुत दिखते हैं मेरे को। तो ये देखो धनिया मिर्ची जो भी है सब कुछ डाल दिया। फिर पता क्या हुआ मेरे को ना, सुबह कितने बजे आई थी, जहाँ 6:30 बजे जा गए, मेरे को 5 बजे उठते हैं हम, और 6:15 बजे दूध देने निकल जाते हैं, लेकिन वापस 6:30 बजे दूध की गाड़ी चले जाती है। फिर कितने दूर जाना पड़ता है दूध देने, सोचो आप, सारा प्लान मेरा सारा बिल्कुल बेकार हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने टमाटर लगा दिए, इसमें कितने अच्छी लग रहे हैं ना टमाटर, और मुझे ना लकड़ियों की कड़छियाँ वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं, ज़्यादा ना आवाज़ नहीं करती। तो फिर फटाफट से सारा काम निपटा के, पर भाई पहली बार हुआ, मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी। और कल मैंने ना अपने रसोई की सफाई करी, मतलब बहुत बुरे हाल थे उसके, तो एक दो दिन मैंने खाना नहीं बनाना था, फिर उन्होंने बनाया तो भाई बहुत कंडीशन ख़राब थी। मैं दिखाऊंगी आपको, तो मेरी एक साइड में बाजू में आँख में बहुत दर्द हो गई थी इस वजह से। आलू बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना, तो बस वही टाइम हो गया था, वही बच गए थे मेरे को 9 घास को जाने के लिए। पता क्या होता है घास को नहीं मन करता जाने का अगर लेट हो जाए। और फिर यहाँ मैं परांठों के लिए मैंने आलू रखे थे, इनको बना रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा गर्म मसाला, हल्दी, नमक, हरा लहसुन, बस ये हरा पड़ जाए अगर इसमें ना, हरा लहसुन और ये अपना क्या बोलते हैं धनिया, हरा धनिया, तो फिर क्या बात है, फिर तो बहुत ही अच्छा पेस्ट बनता है। और वही वो मैशर मुशर से नहीं मैंने किया, मैंने बोला अब कौन उठेगा, मैंने हाथ से इसको जो अच्छी तरह से मैश कर दिया। तो मैं क्या कह रही थी कि परांठा चाहे जो भी मर्जी बना लो आप, लेकिन आलू का परांठा परांठों का वाकई मेरा चाहे। तो अभी मूलियों का भी सोच रही थी, मूली लाऊंगी नीचे अपने खेत से लाएंगे और फिर बनाएंगे। आज मैंने अंजीर की सब्जी बनानी है, इस महीने बनाते हैं। और फिर मिर्ची नहीं डाली थी इसमें, ऐसी मिर्च मतलब जो पाउडर होता है ना बोनी टेस्ट, ये बहुत टेस्ट देती है इस तरह से मिर्चियाँ, अगर हम डालते हैं ना तो ये बहुत टेस्ट देती हैं। और मेरा छोटा ट्राईपोड, छुटकू ट्राईपोड बहुत काम आ रहा है, और देखो अब बड़े अच्छे से चीज़ दिखती है ना, फिर मज़ा आता है ना कि हमने क्या बनाया, पता भी तो लगना चाहिए देखने वालों को कि क्या बनाया। अगर आप बनाते रहो पता ना लगे फिर क्या फ़ायदा है ना, तो इसलिए जो है अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ परांठा बनाने। ये देखिए अब छोटा सा है, मैं बड़ा लोई लूँगी, बड़ी लोई, और अब पेड़ अच्छे से करके, और फिर इसमें डाल देंगे हम अपना इसको आलू का जो पेस्ट तैयार किया। ये देखो खुद पर मैंने खाया था, मैंने पर पता कैसे खाया था, बिना तेल वाला, वो उतना अच्छा नहीं बना था। तो बस आज मैं घास लेके आ गई हूँ अभी अभी सुबह सुबह 10 बजे आ गई हूँ, और ये वीडियो है कल आज ही सुबह की है ये भी। और आज अभी सोच रही हूँ कि अब मतलब बढ़िया पीस जो उड़द दाल भी हुई थी ना उसको पीस देती हूँ, नहीं तो फिर वो रह जाएगी बढ़िया बनाने को, है ना। चलो तो ये देखो बिल्कुल भी पेस्ट बाहर नहीं निकला,
शानू के पेपर लगे हैं, शानू ने सुबह ही खाई थी, अब फिर कुछ नहीं खाया। शानू ने निकलना है 11 बजे वाली बस में, जाना शानू ने पेपर देने। अब लगाऊंगी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल, ज़्यादा नहीं लगाना है, और डालडा है नहीं और घी भी ख़त्म है, तो फिर मैंने तेल लगा दिया था। और तेल ज़्यादा नहीं जलाऊंगी मैं, क्योंकि मैं तो चलो खाऊंगी नहीं, लेकिन जो भी खाएगा वो ठीक नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और आप लोगों को पता ही है कि मैं क्या क्या भुगता है मैंने और क्या क्या मेरे को हुआ, आपको सब कुछ पता है। तो बिल्कुल बदपरहेजी नहीं करनी, मन तो बहुत करता है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि मुझे खाना है, ये भी खाना है, पर नहीं खाना है। बस आजकल मुझे एक ज़्यादा दिक्कत है, मेरी बाजू में बहुत दर्द है, घास काट के बहुत हो जाता है। अपने लिए मैंने दूसरा परांठा बना दिया, यहाँ पे बनाया और लड़ा है था अपने लिए, इसको मैं तीन ने साढ़े तीन ने तेल नहीं लगाऊंगी, बस ये अपने लिए राड़ दूंगी उसको। खाना तो खाना है, ऐसा होता है। तो चलिए अभी दूसरी साइड मैंने आलू भी बना दिए थे, आलू ये देखिए, फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और लहसुन की पत्तियां डाल दी। ये देखिए आलू इतने ज्यादा टेस्टी बने थे, इतने स्वादिष्ट बने थे सच्ची में। मैं कभी करती नहीं वैसे खुद के खाने की तारीफ, मैं बोल रही हूँ हाँ बनाया बढ़िया था, लेकिन आज मैं सच्ची में कर रही हूँ, इकड़ करके ना चूल्हे के ऊपर बहुत स्वाद बने थे। ये देखो तो ये देखो, ये मैं अपने लिए बनाया, उन्हें मन तो करता है क्या करूं, पर फिर डर भी लगता है अगर खा लिया तेल वाला, फिर अगर दिक्कत हो गई तो फिर क्या करूंगी मैं। ये देखो वाह, मस्त मस्त परांठा। ठीक ही है, टेस्टी है, बिना तेल का तो परांठा होता ही नहीं, पर चलो मन तो बनाना पड़ता है, यहाँ खा लिया। गेम शुरू, क्लास लेके आई और यहाँ पे लेट गई हूँ, मतलब थकान हो जाती है, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो जाती है घास काट के, वैसे तो नहीं होती। अब सोच रही हूँ बहुत सारे काम है, उठ जाती हूँ, ऐसा सोच रही हूँ उठ जाऊँ, उड़द दाल को उसको पीस दूँ, उसमें बहुत मसाले वगैरह भी पड़ेंगे, क्या करूँ, मन नहीं कर रहा उठने का, या पहले सो जाऊँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर अभी मैं उड़द दाल की बड़ियां बना देती हूँ ना, तो फिर अच्छी खासी धूप है, एक दो दिन में सूख जानी थी। करो हिम्मत उठने की, चलो मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ ना, फिर उठते हैं, देखते हैं, करते हैं कुछ अगला काम। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।